गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले देखो आप, रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के समय द फर्म है बैलेंस रिजर्व में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जेनरल रिजर्व एटसेट्रा। तो एडमिशन के टाइम में पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर थे उनके बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व, कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा बैलेंस शीट में, और वो भी अगर प्रॉफिट या रिजर्व होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी की तरह दिखाई देगा। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉसेस होता है, डेबिट बैलेंस एसेट्स की तरफ दिखाई देगा। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी की तरफ कुछ रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, एसेट्स की तरह भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल के दिखाई देगा। तो ये जो बैलेंस है, रिजर्व है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना चाहिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एडमिशन के वक्त में ये जो भी प्रॉफिट या लॉसेस है, पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट देना चाहिए। न्यू पार्टनर का इससे कोई रिलेशंस नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ प्रॉफिट्स होता है और एसेट्स की तरफ आपको लॉसेस दिखाई देगा। तो एडमिशन के वक्त में ये जो भी है रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर रहा, या पीएल अकाउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर रहा, तो उसको हमको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब रहा सवाल, प्रॉफिट अगर बांटते हैं तो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट को अगर बांटते हैं, रिजर्व एंड प्रॉफिट्स को बांटते हैं तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट कर देंगे जो भी नाम हो, लाइक दैट जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स जनरली कैपिटल अकाउंट, कभी कभी करंट अकाउंट आपका, ये जब भी बटेगा ओल्ड रेशियो में होगा। तो प्रॉफिट डेबिट कर देंगे जो भी प्रॉफिट हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एटसेट्रा डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, अगर करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट लिख देंगे, और रेशियो रखेंगे ओल्ड रेशियो। ओके, अब लॉसेस का बात हो तो लॉसेस एसेट्स डेबिट बैलेंस होगा, तो इसी एंट्री को उल्टा कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम रहा डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां देखिए लिख रहा है, इफ देयर इज एनी एक्युमुलेटेड लॉस लाइक डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया जाएगा, तो इसके लिए भी ओल्ड रेशियो। अगर हम जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो प्रॉफिट्स कैपिटल का बाई में जाएगा ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, लॉसेस टू में आएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, नाम चाहे जो भी हो, अगर वो पास्ट प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और लॉसेस है तो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बस इसमें प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल, ये कैपिटल टू लॉसेस। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है, लाइक दैट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व। ठीक है, ऐसा कोई वर्कमैन कंपेंसेशन या इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व भी आपको बैलेंस शीट में दिख सकता है, 2000 स्पेसिफिक रिजर्व। तो एडमिशन के समय में सच रिजर्व अगर एक्सेस है एक्चुअल से, तो ऐसे रिजर्व को बांट दिया जाता है। इसका अलग से आपको सेपरेट पार्ट दिखाई मिलेगा जिसमें इसको कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा, फिर भी यहां पे देखिए लिख रहे हैं कि अगर वर्कमैन कंपेंसेशन इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में एडमिशन के टाइम में अगर इस रिजर्व में कुछ एक्सेस है, एक्चुअल एप्लीकेशन से कुछ ज्यादा है,
तो उसको हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस या फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहने का मीनिंग हो गया कि वर्कमैन कंपेंसेशन अगर अंदर 15 है और बाहर अगर लाइबिलिटी के रूप में 10 है तो हुआ एक्सेस कितना है 5, तो 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हुआ अगर उल्टा सिचुएशन है, अंदर कम है बाहर बेसी है, तो इस केस में उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू करेंगे। देखिए, एंट्रीज फॉर ट्रांसफरिंग रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस करने से क्वेश्चन कुछ बोले चाहे ना बोले करना पड़ता है। तो यहां बता रहे थे कि वर्कमैन कंपेंसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ठीक है, ये दोनों का बता रहे थे कि अगर बैलेंस शीट में कम है बाहर बेसी है, तो यहां लिखे हैं एक्सेस होगा तो बांट देंगे, एक्सेस के बाद अगर शॉर्टेज होगा इन केस ऑफ शॉर्टेज अगर कम होता है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ओके टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो हम लोग का पास्ट प्रॉफिट होता है, रिजर्व पीएल अकाउंट या रिजर्व फंड, ये 100% प्रॉफिट है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएल डेबिट, ये 100% लॉस होता है, कैपिटल में डेबिट कर देंगे, ठीक है, वो कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये जो नाम दिया आपको वर्कमैन कंपेंसेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 100% प्रॉफिट नहीं होता है, जो एक्सेस होगा एक्सेस को कैपिटल में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन अगर समस्या है शॉर्टेज है तो आपको रिवैल्यूएशन के थ्रू मेकअप करना होगा। दूसरा नंबर बात, रिजर्व या एक्युमुलेटेड लॉसेस का एंट्री करना जरूरी है, क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले एडमिशन में उसको अपने आप आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्लस कुछ खास बात देखिए, जब बैलेंस शीट के अंदर ये नाम दिखाई दे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉई सेविंग अकाउंट, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखाई देता है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बिकॉज ये आउटसाइड लायबिलिटी है। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड, सेविंग अकाउंट, दोज आर नॉट रिजर्व्स, दोज आर नॉट प्रॉफिट, दोज आर आउटसाइड लायबिलिटी, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड। इन शॉर्ट आप इतना याद रखो, रिजर्व है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, लॉसेस है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन करते हैं। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, यहां देखो आप, कृष्णा एंड सुरेश पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1, वो लोग राहुल को एडमिट करेगा न्यू पार्टनर वेन फिफ्थ शेयर के लिए। राहुल के एडमिशन के डेट में हमारे पास जनरल रिजर्व में 1,20,000 है। तो जनरल रिजर्व हो गया पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर कृष्णा सुरेश में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो 3:1। यहां देखो डेबिट बैलेंस 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, इसका मतलब ये लॉस के रूप में है, डेबिट बैलेंस है, तो लॉस को भी ओल्ड पार्टनर कृष्णा सुरेश 3:1 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस जो भी बैलेंस शीट में अवेलेबल होता है एडमिशन के टाइम में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां एक स्पेसिफिक रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 150, ये एक्सेस जितना होगा उतना प्रॉफिट मान के ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ एडमिशन के समय में देखिए बोल रहा है कि वो 1,50,000 कैपिटल के नाम से देगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे कैश आया 1,50,000 राहुल कैपिटल के नाम से। अच्छा, वो गुडविल का प्रीमियम भी देगा, लेकिन प्रीमियम नहीं बताया है, गुडविल का वैल्यू बताया है 2,40,000। तो गुडविल अगर 2,40,000 बताया है तो यहां हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल होगा 2,40,000 गुडविल का वैल्यू है, नया पार्टनर का शेयर है 1/5, तो 48,000 न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लाएगा।
यहां दो ट्रांजेक्शन हो गया, एक न्यू पार्टनर कैपिटल के नाम से देगा 1.50 और प्रीमियम के नाम से नेसेसरी मनी देगा, गुडविल 2.40 है, 2.40 का 1/5 48,000 देगा। अच्छा, इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां देखिए न्यू रेशियो दे रहा है, यहां ओल्ड रेशियो दे रहा है, तो हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी वर्किंग कर ही देना चाहिए। तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते अगर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कृष्णा, कृष्णा का ओल्ड रेशियो था 3/4 और न्यू रेशियो है 3/5, एलसीएम हो गया 20, तो ये हो गया 15, ये हो गया 12, दैट इज 3/20। कृष्णा के बाद सुरेश है, सुरेश का ओल्ड रेशियो 1/4, 1/5, ये हो गया 20, 5-4 1/20, therefore sacrificing ratio आ गया आपका 3:1। ओके, तो कैपिटल के नाम से तो 1.50 आया, तो कैपिटल आ गया राहुल के नाम से लिख देंगे, और गुडविल के नाम से 48,000 आया, जिसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 में कृष्णा और सुरेश के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट था ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और डेबिट बैलेंस पीएल अकाउंट जो लॉस था ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 1.50 था, जबकि बोला है वर्कर का क्लेम हो गया 170। यहाँ देखिए 20,000 का शॉर्टेज है, तो हमको इसमें 20,000 रुपया इंक्रीज कराना होगा। सरप्लस अगर होता तो वो प्रॉफिट मानते, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते, लेकिन यहाँ 1.50 है, जबकि वो बोला 1.70, तो हमको 20,000 रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में बढ़ाना है। रिवैल्यूएशन के हेल्प से बढ़ा देंगे, रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपेंसेशन 20,000, और वो 20,000 लॉस माना जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओके, जर्नल एंट्री करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट, एंट्री करना है। नया पार्टनर 1,50,000 कैपिटल के नाम से लाया था, तो पहला एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट 1,50,000। ओके, नरेशन देते हैं बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज कैपिटल। ठीक है, राहुल कैपिटल के नाम से 1,50,000 लाया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल 1.50। अच्छा, गुडविल का वर्किंग किए थे, उसको गुडविल के नाम से 48,000 देना था, तो बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल के नाम से 48,000 लाया था, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के नाम से तो 1.50 लाया था, तो बैंक टू राहुल, अब प्रीमियम के नाम से 48 लाया, तो बैंक टू प्रीमियम, और ये प्रीमियम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 48,000, ओल्ड पार्टनर है कृष्णा और सुरेश, टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कृष्णा और सुरेश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1, दैट इज 36,000 और 12,000। नरेशन देते हैं बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किए थे 3:1। ठीक है, यहां पे एक बार आप देख लो,
कैपिटल के नाम से 1.50 देगा, गुडविल है 240, उसका शेयर है 1/5, तो वो 48 देगा, जिसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू किए 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहाँ जनरल रिजर्व देखिए 1:20 है पास्ट प्रॉफिट, अब पीएल अकाउंट 60,000, डेबिट बैलेंस पास्ट लॉस, इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके बाद जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनरल रिजर्व में प्रॉफिट था आपका 1,20,000, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट और टू ओल्ड पार्टनर में सुरेश कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व डेबिट टू कृष्णा टू सुरेश ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 90,000 और 30,000 3:1 है बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 3:1। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट था, डेबिट कर दिए, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिए, ओल्ड रेशियो 3:1। अब रहा सवाल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस लॉस है तो इसको भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यहां पर ओल्ड पार्टनर डेबिट हो जाएगा, कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट और सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, कृष्णा कैपिटल डेबिट सुरेश कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको लॉस के रूप में 60,000 था, इसका 3:1 45 और 15 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 3:1। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस था 60,000, ओल्ड पार्टनर कृष्णा सुरेश ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो डेबिट होता है, क्रेडिट कर दिए, कैपिटल डेबिट कर दिए। जनरल रिजर्व प्रॉफिट क्रेडिट, तो उसको डेबिट कर दिए, कैपिटल क्रेडिट कर दिए, इसके पहले कैपिटल और गुडविल का एंट्री किए थे, आप यहाँ एक बार देख लो, कैपिटल के लिए गुडविल का एंट्री कर दिए, यहाँ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पीएल लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में देखिए 1.50 है, यहाँ बोला है वो क्लेम 1.70 हो गया, तो इसका मतलब हमको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को 20,000 रुपया बढ़ाना होगा, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन सरप्लस रहता तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते, लेकिन यहाँ उसको बढ़ाना है 20,000, रिवैल्यूएशन के हेल्प से बढ़ाएंगे और फिर रिवैल्यूएशन को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट 20,000, रिवैल्यूएशन डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000 बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इंक्रीज्ड, ठीक है, उसको बढ़ाना था तो वर्कमैन को 20,000 बढ़ा दिए और ये 20,000 रिवैल्यूएशन मेरे लिए लॉस हो गया, इसको ओल्ड पार्टनर कृष्णा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कृष्णा और ओल्ड पार्टनर सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, ओल्ड रेशियो 3:1 15,000 और 5,000 में बांट देंगे। Being revaluation loss distributed in old ratio 3:1, ठीक है, revaluation का loss हुआ था, old ratio 3:1 में distribute कर दिए, कृष्णा capital debit सुरेश capital debit to revaluation, workmen compensation reserve को 20,000 रुपया इंक्रीज कराना था, तो रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपेंसेशन और इस रिवैल्यूएशन को ओल्ड रेशियो में बांट दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।